अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुल्क में किस तरह का माहौल बनता जा रहा है सभी देख रहे हैं। अगर आप कुछ भी न करें तो आपके मजहब की बुनियाद पर आपको हिरासत किया जाएगा। वैसे रमजान का मुबारक महीना जारी है, चुनाव नजदीक है, पर फिरका परस्तों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। किसी तरह मजहबी ध्रुवीकरण के जरिए सत्ता हासिल करने का जरिया बनाया जाए, इसकी कोशिशें मुस्तकिल जारी है। रमजान के मुबारक महीने में कल होली का दिन भी है। हो सकता है कि कुछ शरपसंद अनासिरों ने मनसूबे बना भी लिए होंगे। ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि आज जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद शर्मनाक कह सकते हैं। बिजनौर यूपी में कल एक मुस्लिम परिवार मोटरसाइकिल पर जा रहा था तो जानबूझकर उस पर रंग डाला गया। मुस्लिम खवातीन को रंग लगाया गया, बुजुर्ग खातून भी इस वीडियो में देख सकते हैं। लिया था, ये वीडियो काफी वायरल हो चुका है और मुल्क में इस तरह की तस्वीर पर अब बोलना भी नहीं चाहते। होली कभी इस मुल्क में प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए मनाई जाती थी। अक्सर ये गाना भी बजता था कि होली के रंग में और दुश्मन भी गले लग जाते वगैरह, लेकिन अब ये होली के रंग कुछ फिरका परस्तों की जानिब से नफरत फैलाने के लिए और जहर घोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते। खासकर रमजान के महीने में नमाज रोजे की पाबंदी मुस्लिम समाज की जानिब से की जाती है। अब इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह बंदोबस्त करता है, एक अलग मामला है। अब ईद त्योहार के मौके पर कुछ अमन के दुश्मन हरकत में आ जाते हैं और शायद कोई शुबा बचा नहीं है जहां नफरती चिंतुओं ने कहर न बरपा किया हो। अभी हाल ही में गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी मुस्लिम बच्चों पर किस तरह हमला किया गया। एक और वीडियो दिल्ली की रेल में दो नौजवान लड़कियां किस तरह होली का वीडियो बना रहे। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की इस तरह कोने में कहीं जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ती रहती तो किस तरह का हंगामा किया जाता और पता नहीं कितने मोर्चे, बहस, टीवी डिबेट, यहां तक के भारत को इस्लामी राष्ट्र की साजिश का इल्जाम लगाया जाता। आगे चलकर हो सकता नमाज पढ़ने वाली खातून को गिरफ्तार ही कर लिया जाता और वैसे भी जो भी मोदी हुकूमत या सत्ता से सवाल या विरोध करने वालों को जेल ही भेजा जा रहा है। सरकारी एजेंसियों को तो खुली छूट मिल चुकी है। अब जब दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल ही को जेल में डाला जा सकता है तो आम लोगों की बात ही करना फिजूल कह सकते हैं। मतलब एक गिरोह है जो हर हाल में भारत के संविधान को बदलना चाहता है, भले ईवीएम हो या विपक्ष को जेल में डालकर हो। तैयारी तो इतनी लग रही है कि अगर लोग वोटिंग भी ना करें तो शायद ईवीएम खुद ही वोट डाल लेगा। इस बात को इतना संजीदगी से इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया है कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। अब सवाल ये भी उठता है कि अब तक ईवीएम पर राहुल गांधी खामोश क्यों रहे, जबकि कई सालों से ईवीएम हैकिंग पर सवाल उठाए जा चुके हैं और कई बार यह देखा भी गया है कि आप बटन कोई भी दबा दो वोट तो कमल को ही जाते हैं। अब बात समझ में आई तो वक्त निकल चुका है। गुजरात इलेक्शन में फौज तक का इस्तेमाल चुनाव में भाजपा की जानिब से किया गया, जो वीडियोस वायरल हो चुके हैं। खैर बात होली की करते हैं और यूपी बिजनौर में मुस्लिम परिवार को किस तरह भी सड़क में हिरासा किया गया। लिहाजा कल बेलगाम और अतराप में होली खेली जा रही है और होली बड़े पैमाने पर मनाई भी जाती है और मनानी चाहिए। मुस्लिम मर्द खवातीन परहेज करें बेवजह बाहर निकलने से क्योंकि कुछ शरपसंद अनासिर इंतजार में होंगे। बेहतर है कि इन्हें मौका ही न दिया जाए। जो भी हो, लेकिन इस तरह की बढ़ती हरकतों पर हुकूमत भी खामोश नजर आ रही है। यूनिवर्सिटी में मुस्लिम तलबाओं पर हमले को लेकर दुनिया भर में भारत की छीतु हो रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी जैसे मुल्क में भारत में विपक्ष के लीडरों को जेल भेजना और तानाशाही पर मोदी हुकूमत को मशवरा देने की कोशिश की। इसी तरह दिगर मामलों में भी आप देख सकते हैं सीए एनआरसी को लेकर पूरी दुनिया में भारत की तस्वीर किस तरह की दागदार बनती जा रही है। इसी तरह दिगर ममालिक में भी भारत में सरकारी एजेंसियों के आड़ में मनमानी चलाई जा रही है, इस पर तंज किया जा रहा है, लेकिन हर हाल में हुकूमत बनाकर मुल्क के संविधान को बदलना यही एक मकसद इनके सामने है। इसलिए अब की बार 400 पार का नारा पहले से ही दिया जा रहा है। अब इनको कैसे मालूम कि 400 पार होने वाला है, लिहाजा तैयारियां हो चुकी है। अगर दो तिहाई अक्सरियत हासिल करते हैं तो ही मुल्क का संविधान कानून बदल दिया जा सकता है और बदलने के लिए इन्होंने हर महाज पर हर तरीके से जीतने का मंसूबा बनाया और सबसे आसान तरीका ही मुल्क में हिंदू मुस्लिम करना है और जो भी ये त्योहार आता है उसका फायदा उठाते हुए नफरत के जहर को घोलने की कोशिश कर रहा है। यूपी बिजनौर में मुस्लिम खवातीनों के साथ इस तरह के बर्ताव के बाद सवाल तो उठ रहे हैं और ऐसा नहीं कि पहला मामला, इस तरह के कई सवाल इससे पहले भी उठाए जा चुके हैं, पर जवाब हमेशा की तरह खामोशी है क्योंकि ये खामोशी ही है जो जुल्म की इंतहा की दलील है, इतना जरूर कह सकते हैं। आज का मौजू आपको कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। कुछ अहम खबरें।
बेलगाम शहर में ही एक अहम खबर हासिल हुई है। नूर अहमद इब्राहिम साहब किल्लेदार, जो अनगुला अम्बेडकर नगर का शहरी है, पिछले कुछ अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर है। नूर अहमद फौज में खिदमात अपने अंजाम दे रहे हैं। इसी गली में कुछ लोग कुत्ते को पालते हैं, पर इन्होंने कुत्ते को लेकर एतराजात दर्ज किए थे कि कुत्ते मुसाफिरों पर हमला करें, और यही आज के तनाजे की वजह बनी हुई है। नूर अहमद किल्लेदार फौज में दिल्ली में है वो फिलहाल, और इनके घर पर यहाँ बीवी और बच्चे ससुर रहते हैं। बहरहाल कुछ लोगों ने घर पर ही हमला करने के बाद नूर अहमद की बीवी सादिका ने बताई, और फौज अफसरान को भी इसकी इत्तला दी गई है। लिहाजा पुलिस महकमा ने वारदात की जगह पर जाकर जायजा भी लिया, या एमएलसी भी बनाई गई है, अभी जल्द एफआईआर दाखिल होगी, इस तरह से भी कहा जा रहा है। मामला आगे बढ़ चुका है, फौजी अफसरान का फोन आने के बाद यहाँ की महकमा हरकत में है। लेकिन इस वारदात का कुछ लोग मजहबी तनाजे में भी तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, जबकि मामला कुत्तों को लेकर था। क्या अब फौज में खिदमात करने वालों के भी घर महफूज नहीं है क्या? इस बात गश्त कर लिया, जल्द जो भी मुजरिम है इन पर कार्रवाई करें, ऐसा मुतालबा किया जाए, और जिन्होंने भी घर पर हमला किया है इन पर सख्त कार्रवाई करें की मांग की जा रही है। पुलिस तफ्तीश जारी है और तिलकवाड़ी पुलिस थाने में मामले को दर्ज किया गया। कल रात फर्स्ट रेलवे गेट तिलकवाड़ी के करीब डिवाइडर को ठोकर मारने से दो मोटरसाइकिल सवारों की जगह पर ही मौत हो गई। ये वारदात रात 12 बजे के बाद पेश आई है, ऐसा कहा जा रहा है। दोनों भी कॉलेज तलबा है। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों की जगह पर ही मौत हुई। बेलगाम शहर का मरकजी चौराहा चन्नम्मा सर्कल में ही पानी बहता रहता है, जहां पीने के पानी का मसला होने की बात बारह की जा रही है, और इस साल तो बड़ा मसला है। वही पाइपलाइन फूटने के जरिए मुस्तकिल पानी तो बह रहा है, लेकिन मरम्मत नहीं की जा रही। चन्नम्मा सर्कल में पिछले कई महीनों से पानी बह रहा है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। बेलगाम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ओहदों की तकसीम जारी है। वीरभद्र नगर के जनाब कलीमुल्ला मुल्ला को ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी अखिलेती शोबे के सेक्रेटेरियन के तौर पर नामजद किया गया। कलीमुल्ला मुल्ला सामाजिक खिदमतगार है, पिछले कुछ अरसे से वो अपने खिदमात अंजाम देते रहते हैं। इनके इस ओहदे पर फैज होने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की जा रही है। इसी तरह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दिल्ली की जानिब से बेलगाम के कांग्रेस अखिलेती शोबे के नायब सदर यानी वाइस चेयरपर्सन के तौर पर मोहम्मद रसूल मुल्ला को नामजद किया गया है। इसके लिए इन्हें मुबारकबाद पेश की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।